एसकेआई मीडिया इवेंट्स और आयॉन मीडिया आरके प्रोडक्शंस के इश्तराक से हैदराबाद कॉमेडी तड़का प्रोग्राम प्लैटिनम बैंकट हॉल बंजारा हिल्स पर इतवार के रोज़ मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुल्क के पहले ओवरसीज सिटीज़न इफ्तिखार शरीफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि बीबीएन चैनल चेयरमैन शब्बीर भोजानी ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत की। वहीं परिवार ग्रुप चेयरमैन मुश्ताक हुसैन, एप्पल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO महमूद अली, डॉक्टर अमित दमानी, कराटे चैम्पियन सैयदा फलक के अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी शख्सियात और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर माहिर फनकारों ने स्टैंड अप कॉमेडी का मुजाहरा पेश किया। वहीं इस दौरान हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 के पोस्टर की लॉन्चिंग भी अमल में आई। बैठ, क्या टाइम हो रहा? ये सब अच्छे मगरिब का टाइम है, है ना? जानी मस, किबला किधर है? इधर होता था, आजकल सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वाईफाई है? किसकी वाइफ बोल रहे तुम? अरे क्या बैकवर्ड लोग है जी। अच्छा सैमसंग का चार्जर तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं वो भी नहीं है। अरे मुर्दा निकलो इनका, चलो जी। चले गए। तो ऐसे माहौल की बातें हैं बहुत सारी होती रहती हैं साहब। अब हमारे सुहेल मेमन साहब ने उर्दू की बात छिड़ी तो मुझे याद आ गया कि उर्दू ज़बान जो हमारे हैदराबाद में बोली जाती है बड़ी अच्छी ज़बान है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इसको बड़ा बिगाड़ दिया है ज़बान को। बहरहाल उर्दू सीखना ज़रूरी है, मज़हबी जो हमारी नॉलेज है अरबी के बाद अगर किसी ज़बान में है तो उर्दू में है।